चक्कर में क्या है बताओ, क्या मामला है इनका? एस्टिमेट वगैरह बना लिया? ठीक है, उसमें लिखेंगे उसमें करेंगे, और दूसरा जो है वहाँ से भारत सरकार भी इसमें टैक्स वगैरह में माफ हो जाएगा। बेटी तुम्हें क्या हुआ है, कि कौन सी बीमारी हुई तुमको पता है? जी मुझे SMA टाइप 2 नाम की बीमारी हुई है। अच्छा ये बताए, आज आपने किससे मिला? मैं आज CM अंकल से मिली। तो उन्होंने क्या कहा है आपसे, क्या बात की आपसे? उन्होंने बहुत प्यार से बात की, उन्होंने कहा कि उन्होंने मेरा हाल पूछा, और फिर मुझे एक चॉकलेट दी, और फिर उन्होंने मेरे मम्मा पापा से पूछा कि मुझे क्या है ये वो, और फिर उन्होंने कहा कि टेंशन लेने की कोई बात नहीं है और हम लोग आपकी पूरी हेल्प करेंगे, जिससे मैं बहुत खुश हुई। अच्छा आप कहाँ पढ़ती हैं, किस क्लास में पढ़ती हैं? मैं क्लास 5th में पढ़ती हूँ, जीवन मार्ग सोफिया सेकेंडरी स्कूल में। बन के पढ़ के क्या बनना चाहती हैं, आपकी इच्छाएँ क्या हैं? मैं पढ़ी हूँ कि AI साइंटिस्ट बनना चाहती हूँ, और मैं उसके लिए मैं पाइथन AI वगैरह ये सब सीख रही हूँ। मैं कई लैंग्वेजेस भी सीख रही हूँ, जैसे चाइनीज़ और जापानीज़, ताकि मैं उन कंट्रीज़ में ट्रैवल करके इंडिया के लिए नई टेक्नोलॉजीज निकाल सकूँ। मैं खुद से, अगर मैं लेती हूँ तो मैं खुद से उठ के बैठ नहीं सकती, और मेरा डेली काम मेरे मम्मा पापा को करना पड़ता है, और सांस लेने में मुझे थोड़ी प्रॉब्लम होती है, तो उसके लिए डॉक्टर ने मुझे बाईपैक मास्क दिया है, तो मुझे रात को लगा के सोना पड़ता है। मिस्टर 7 महीने की जब थी तब इसका डायग्नोस हुआ गंगाराम में, तो पता चला कि इसको SMA टाइप 2 है, और एम्स में भी सेम चीज़ डायग्नोस हुआ SMA टाइप 2, जिसका बताएगा कि लाइलाज बीमारी है, ये अभी फ़िलहाल ट्रीटमेंट हो नहीं सकता है, रिसर्च चल रहा है, और अब रिसर्च जब कंप्लीट हो गया है तो दवा पड़ जाएगी अगर मेरी बच्ची को तो ये सही हो जाएगी, पर दवा इतनी महंगी है 10 करोड़ रुपया, जो मैं बियर नहीं कर सकता हूँ, एक मिडिल क्लास अफोर्ड नहीं कर सकता इस चीज़ को। तो क्या आपको आज आपने किसी से मिला? जी मेरी मुलाकात आज श्री योगी आदित्यनाथ जी CM उत्तर प्रदेश से हुई, और उन्होंने आश्वासन दिया जो भी मदद कर सकते हैं वो पूरी मदद करेंगे, भारत सरकार से कराएंगे, उत्तर प्रदेश शासन से कराएंगे, और उन्होंने कहा कि जो भी टैक्स वगैरह दवा का है वो भी माफ़ कराएंगे, और सरकार से भी फंड दिलाने का आश्वासन दिया है।